उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बहा रहा है पर सिर्फ तारीख पे तारीख पा रहा है, और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। हेलो, मेरा नाम आयुष है, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। नासा का प्लान है कि 2024 में वो फिर से चांद पर इंसान पहुंचाएंगे। पहले उनके मून मिशंस चल रहे थे, 1972 में बंद हो गए, अब फिर से उनका इंसान चांद पर पहुंचाने का प्लान है। ये उनका मानना है कि मंगल तक इंसान को पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी होगी, लेकिन मंगल तक इंसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना चांद पर है। चांद बहुत पास में है और मंगल बहुत दूर। मंगल तक इंसान पहुंचाने के लिए एक सॉलिड प्लान तैयार करना होगा। शुरुआती प्लानिंग में एक बड़ा सवाल ये होता है कि लैंड कहाँ करेंगे। नासा को लगता है कि अब उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया है। 10 दिसंबर 2019 को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में एक स्टडी पब्लिश हुई। सिल्वन पिकेक्स के नेतृत्व में हुई स्टडी से एक नक्शा निकल कर आया है। कैसा नक्शा? मंगल की सतह के नीचे मौजूद बर्फ का नक्शा। इसे नासा बर्फ के छिपे हुए खजाने का नक्शा कह रही है। कहीं कहीं तो सतह से महज एक इंच नीचे बर्फ का पता चल रहा है। इस बर्फ को खोजा है ऑर्बिटर्स ने। जब भी स्पेस मिशंस की बात होती है तो ऑर्बिटर खूब सुनने को मिलता है। ऑर्बिटर मतलब ग्रह या उपग्रह के चक्कर काटने वाली मशीन। मंगल के चक्कर काट रहे ऑर्बिटर्स को मार्स ऑर्बिटर्स कहते हैं। इंडिया का जो मंगलयान मिशन था वो उसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इन ऑर्बिटर्स का मकसद होता है ग्रहों और उपग्रहों की जानकारी इकट्ठी करना दूर से ही। बर्फ के नक्शे वाली स्टडी के लिए नासा के 2 ऑर्बिटर्स से डेटा निकाला गया है, मार्स रिकॉनसेंस ऑर्बिटर और मार्स ओडिसी ऑर्बिटर। इन स्टडीज से कई ऐसी जगहों का पता चला है जहां एस्ट्रोनॉमर्स बिना ज्यादा मेहनत के बर्फ निकाल सकेंगे सिर्फ एक फावड़े के दम पर। इस वीडियो में हम उस लैंडिंग साइट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या देखकर एक लैंडिंग साइट तय की जाती है कि यहाँ लैंड करना है। पैराग्लाइडिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी लैंडिंग साइट पहले से तय होती है, इसलिए 100-200 लेके भी कोई लैंड नहीं करा सकता। मजाक को साइड में रखते हैं, मंगल पर लैंडिंग साइट तय करने के लिए एक जरूरी फैक्टर है पानी, लेकिन मंगल पर लिक्विड वाला पानी तो है नहीं। मंगल पर जो पानी मिला है वो जमा हुआ है, यानी बर्फ है। मंगल पर लिक्विड पानी रहने के लायक माहौल नहीं है। वहाँ की हवा बहुत पतली है, हवा का दबाव भी बहुत कम है। ऐसे में जहाँ भी बर्फ को जगह मिलती है वो सीधे भाप बनकर उड़ जाती है। मंगल की ग्रेविटी भी बहुत कम है, इसलिए सतह पर कोई पानी नहीं ठहरता। ठहरती है तो सिर्फ बर्फ, वो भी जमीन के नीचे। नासा का ऐसा मानना है कि बर्फ के पास वाली जगह इंसान को लैंड कराने के लिए सही होगी। ऐसा क्यों? चांद के मुकाबले मंगल पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, हम बता चुके हैं। वहाँ लैंड करने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा, जिंदा रहने के लिए ज़्यादा सामान भी ले जाना पड़ेगा। इस बात में बहुत मगजबारी होती है कि क्या सामान साथ में ले जाना है, क्या छोड़ जाना है। देखा जाता है कि क्या कितना ले जाना है और कहाँ कटौती की जा सकती है। जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए ही होगा। ऐसे में अगर पानी ना ले जाना पड़े या कम पानी ले जाना पड़े तो लोड काफ़ी कम हो जाएगा। पीने वाला पानी निकालने के अलावा बर्फ का एक और काम किया जा सकता है। मंगल पर ही रॉकेट का फ्यूल बनाया जा सकता है, और रॉकेट का फ्यूल बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। इस चीज़ को साइंटिस्ट कहते हैं इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब जहाँ काम हो रहा है वहीं से संसाधन जुटा लेना, इधर उधर से ले नहीं जाना। इस केस में जो संसाधन है वो है बर्फ या पानी। अब ऐसा भी नहीं है कि बर्फ दिखी और वहाँ लैंड कराने दौड़ गए। ये भी देखना होता है कि बर्फ कहाँ है। मंगल के ध्रुवों पर काफ़ी सारी बर्फ है, लेकिन वहाँ का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस रहता है। कई महीनों तक रोशनी नहीं पहुँचती, एस्ट्रोनॉमर्स कांप जाएंगे। वहाँ ऐसे में लैंड करने में काफ़ी मुश्किल होगी। लैंड करने के लिए ज़मीन देखनी होती है। मंगल का उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसे लैंडिंग के लिए एक सही जगह माना जाता है। क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की ज़मीन कम ऊंचाई पर है। कम ऊंचाई होने से क्या फ़ायदा? जब लैंडर लैंड करना शुरू करता है ना, तो उस वक्त उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो एक चक्कर काट रहा होता है उस ग्रह के। लैंड कराते वक्त ये स्पीड कम की जाती है। ऊंचाई जितनी कम होगी लैंडर को स्पीड कम करने का उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को मिलाकर नासा का एक बढ़िया सी जगह नासा ने तलाश ली है। इस जगह का नाम है आर्केडिया प्लानिशिया। ये उत्तरी गोलार्ध में मौजूद एक इलाके का नाम है। ये जगह ध्रुव के एकदम करीब नहीं है, और इसके नक्शे पर बहुत सारे नीले और बैंगनी रंग के बिंदु मिले हैं, बर्फ वाले नक्शे पर। नक्शे में जो लाल से नीले तक के रंग है, लाल का मतलब है पानी ज़्यादा गहराई पर है, पानी नहीं सॉरी बर्फ, और नीले का मतलब है कि बर्फ कम गहराई पर है, एकदम नीचे ही है, 1 या 2 फुट नीचे। आप पूछेंगे कि यार ऑर्बिटर से बर्फ का नक्शा कैसे बन गया? इसका जवाब है उन ऑर्बिटर्स में लगे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण। मार्स रिकॉनसेंस ऑर्बिटर में लगा है मार्स क्लाइमेट साउंडर, और मार्स ओडिसी ऑर्बिटर में लगा है थर्मल इमिशन इमेजिंग सिस्टम कैमरा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप ऐसा समझिए कि ये मशीनें थर्मामीटर वाला काम करती हैं। ये दूर से ही सतह की गर्मी भाप लेती हैं। सतह के नीचे की बर्फ ये तय करती है कि कहाँ का तापमान कितना होगा। जहाँ बर्फ सतह के पास में होगी यानी कम नीचे होगी, वहाँ से कम गर्मी निकलती है, और जहाँ बर्फ ज़्यादा नीचे होती है वहाँ से ज़्यादा गर्मी निकलती है।
इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके सिल्वन पिकेक्स और उनकी टीम ने यह नक्शा तैयार किया। अब इस नक्शे से आगे क्या होगा? सिल्वन और उनकी टीम लैंडिंग के लिए दूसरी साइट्स ढूंढने में लगी हुई हैं। वो साइट्स जो आर्केडिया के मैदानों से भी बेहतर हो। उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है इक्वेटर के पास की कुछ जगहें छूट गई हों, इक्वेटर यानी मध्य रेखा। उन्हें लगता है कि वो उन जगहों को नहीं देख पाए होंगे। सिल्वन और उनकी टीम की ये स्टडी मंगल तक इंसान की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। मील का बर्फीला पत्थर। मील के सारे पत्थरों की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा दी लल्लन टॉप। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।